देखिए, इस मीटिंग के अंदर दोबारा कुछ आमदारों ने ये मुद्दा उठाया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिल्स आ रहे हैं वो बिल्स पेशेंट्स की शिकायतें ज़्यादा होने की वजह से हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो बिलिंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो वो बिलिंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन अधिकारी कौन कौन से हॉस्पिटल के अंदर है उसकी लिस्ट प्रोवाइड की जाए ताकि वहाँ पर लोगों को दी जा सके। दूसरा ये है कि दो दिन पहले हेडगेवार हॉस्पिटल के एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी प्लाज्मा के लिए, तो वो प्लाज्मा चूँकि घाटी के अंदर अवेलेबल है, लोगों ने वहाँ पर डोनेट किया है, तो घाटी प्रशासन ने वो प्लाज्मा देने से मना इस बात से कर दिया है कि उनका कहना था कि नहीं, हमको सरकार की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो हमने ये सवाल उठाया है कि इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, सरकार के कायदे कानून अपनी जगह के ऊपर है, जितना मानना है उतना माना जाएगा, लेकिन अगर आप ये भेदभाव करेंगे कि नहीं, अगर पेशेंट मेरे पास है तो सिर्फ मैं प्लाज्मा यहीं के घाटी के पेशेंटों को देंगे, तो फिर जो दूसरे हॉस्पिटल से, चाहे वो हेडगेवार हो, बजाज हो, आपका MGM हॉस्पिटल हो, वहाँ पर भी पूरी निगरानी जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आपके पास एक कैपेसिटी नहीं है बोल के, आप मैनेज नहीं कर सकते हैं बोल के पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अगर इस तरह का अगर भेदभाव करेंगे तो इस ताल्लुक से आज के दिन तमाम अधिकारियों ने उसको संजीदगी से लेते हुए कहा है कि आज ही इसकी मीटिंग ली जाएगी और प्लाज्मा का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और धार्मिक स्थल खोलने के बारे में, गणेश उत्सव के बारे में, देखिए ये गणेश उत्सव चूँकि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है महाराष्ट्र के लिए और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उस ताल्लुक से भी बातचीत की गई है कि हर पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर ये मीटिंग रखी जाएगी कि गणेश त्यौहार के 10 दिन किस तरह से मनाने चाहिए और विसर्जन के दिन कहाँ कहाँ पर है तो आपने गणेश मूर्ति के विसर्जन करना चाहिए, इसके ताल्लुक से हर पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर ये कल से ये मीटिंग्स शुरू होंगी। आने वाला मुहर्रम का त्यौहार भी है, उस ताल्लुक से भी आज ही मीटिंग है और क्या निर्देश देने का है कि प्रशासन की तरफ से सभी निर्देश दिए जाएंगे। धार्मिक स्थल के बारे में कुछ? धार्मिक स्थल के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि 2 तारीख के बाद से, जब ये गणेश का त्यौहार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से धार्मिक स्थल के बारे में भी कुछ फैसला लिया जाएगा। या बैठकीमध्ये एकंदरीत चर्चा झाली, कंटेनमेंट झोन संभाजनगर शहरामध्ये 3 आहेत ते कमी कसे करता येईल, बाहेरून येणाऱ्या रुग्ण जे येतात त्यांचं कसा करता येईल, अँटीजेन टेस्ट वाढवण्यात याव्यात, प्लाझ्मा थेरपी जे होते त्यासाठी खाजगी दवाखान्यातसुद्धा प्लाझ्मा देण्यात यावा, आणि याशिवाय जे डेड पेशंट असतात त्यांचे मृतवाहिनी त्यांच्यासाठी बिल जे जास्त आकारलं जातं त्या चर्चा झाली। ठीक आहे, थँक्यू। आज हमेशा के तरह आज सोमवार को हमारी कोरोना के बारे में मीटिंग हो गई। मीटिंग में आज तक का जो काम हुआ उसका आढ़ावा लिया गया। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे नज़र में आई कि पेशेंट के ऊपर ज़्यादा बिल लेना या तो पेशेंट की शिफ्टिंग या तो प्लाज्मा, ऐसे अनेक विषय जो थे इसके ऊपर चर्चा हो गई और कलेक्टर ने, सब आमदारों ने, खासदारों ने एक सामूहिक निर्णय ले लिए कि कोई भी चीज़ या कम पड़ना नहीं चाहिए। जो दवाई है आज हमारे पास मुबलक है, इंजेक्शन जो बाहर लोग 40-50 हज़ार में लेते हैं वो सब एंडिसिवर के इंजेक्शन हो वो हमारे पास अवेलेबल है, उसका स्टॉक बहुत बड़ा है, इसलिए पेशेंट ने भी घबराना नहीं चाहिए और उन्होंने इलाज के लिए जो अगर कोई तकलीफ आई तो कलेक्टर या तो संबंधित जो अधिकारी है उनसे कॉन्टेक्ट करना, ये मीटिंग में डिसाइड होगा।